हमसे हमेशा जुड़े रहने के लिए हमें सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं। कोरोना की संभावित तीसरी लहर को लेकर उपनिदेशक ने लिया जायजा। आरके जिला चिकित्सालय एवं सीएचसी देवगढ़ का किया निरीक्षण। कोरोना की संभावित तीसरी लहर के मद्देनजर चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के उपनिदेशक डॉक्टर पंकज गौड़ ने आरके जिला चिकित्सालय का निरीक्षण किया तथा वहां बच्चों को लेकर चिकित्सा संस्था में की गई अतिरिक्त व्यवस्थाओं को लेकर प्रमुख चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर ललित पुरोहित, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा से विस्तार से जानकारी ली तथा आवश्यक दिशा निर्देश दिए। उन्होंने वहां ऑक्सीजन प्लांट का अवलोकन किया तथा इन्हें शीघ्र पूर्ण करवाने के लिए निर्देशित किया। उन्होंने स्वास्थ्य भवन में कोविड की दूसरी लहर के साथ अन्य राष्ट्रीय कार्यक्रमों, परिवार कल्याण एवं मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य सेवाओं को गति देने के साथ ही वित्तीय एवं भौतिक लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए निर्देशित किया। CMHO डॉक्टर प्रकाश चंद्र शर्मा ने अवगत करवाया कि जिले में आरके जिला चिकित्सालय में 34 सिलेंडर, उप जिला चिकित्सालय नाथवा द्वारा के 44 सिलेंडर तथा अनंत हॉस्पिटल में 30 सिलेंडर के ऑक्सीजन प्लांट संचालित हैं। कोविड तीसरी लहर के मद्देनजर आरके जिला चिकित्सालय में 66 व 100 सिलेंडर क्षमता के 2 प्लांट, उप जिला चिकित्सालय नाथवा द्वारा में 100 व 200 सिलेंडर क्षमता के 2 प्लांट, CHC आमेट 65 सिलेंडर, भीम में 100 सिलेंडर, देवगढ़ में 100 व खमनौर में 35 सिलेंडर प्रतिदिन क्षमता के ऑक्सीजन प्लांट निर्माणाधीन है। उप निदेशक डॉक्टर पंकज ने ब्लॉक वार नसबंदी, ICUT प्रसव पूर्व जांच, संस्थागत प्रसव एवं पूर्ण टीकाकरण को लेकर ब्लॉक वार समीक्षा की तथा आवश्यक कमजोर सेक्टर का चिन्हीकरण कर नियमित मॉनिटरिंग के लिए निर्देशित किया। इस दौरान उप मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी प्रभारी कल्याण डॉक्टर ताराचंद गुप्ता भी साथ थे। जागरूक टीवी के राजसमंद से नरेंद्र सिंह खंगारोत की रिपोर्ट।